सब्सक्राइब करें कृषि न मैथ सॉल्यूशन क्लास 12 चैनल को एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला जो है उसको याद करना जरूरी है। देखिए, क्वेश्चन का जो है सॉल्व जो होगा वो इस फॉर्मूला पर होगा, तो आप इन फॉर्मूलाज को जरूर से याद कर लें। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेनली साइन इनवर्स और ये इन दो फॉर्मूला पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए 8 का फर्स्ट हाफ का साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/7 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन जो फर्स्ट है यहाँ पर 6 दिया हुआ है, जो कि 6 नहीं वो होगा 8 होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया। एल एच एस हाफ का देखिए, ये यहाँ पर है तो लिख लिया हमने, एल एच एस से आर एच एस लाना है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इतना इज इक्वल टू इतना। देखिए फॉर्मूला पे साइन इन ए, इसको आप एक्स मानिए और इसको वाई, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 - y² प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 - x². ठीक है, फॉर्मूला पे देखिए 3/5 इंटू इसको एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 17² - 8² स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 17 तो बचेगा नीचे 17। ठीक है, इसमें देखिए इसका 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये -3² / 5 स्क्वायर रूट, 5² कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, नाउ देखिए आप 17 का स्क्वायर कीजिएगा और 8 का, 17 का स्क्वायर होता है 289 और 8 का होता है 64, इतना तो 289 - 64 कर देंगे, इसमें 5 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब इसको इसको सबट्रैक्ट कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 225/17 और इसको घटाएगा तो आ जाएगा 16/√16/5। नाउ 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 15 का होता है, तो 15 लिख दिया हमने। ठीक है, और ये होता है 4 का स्क्वायर रूट 4। ठीक है, इतना। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए और एलसीएम लीजिए, देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 45, ये 32, तो इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 77/85 जो कि आपके आर एच एस के बराबर है, तो ये प्रूफ हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है देखिए, कोसाइन इनवर्स 3/5 प्लस कोसाइन इनवर्स 12/13 प्लस कोसाइन इनवर्स 63/65 इक्वल टू पाई बाई टू, इसको पाई बाई टू प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो टर्म को लेंगे, फिर इन दो टर्म को ऐड करने के बाद जो आपका आएगा टर्म उसको हम थर्ड टर्म्स के साथ जोड़ेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं तो जरूर से शेयर किया कीजिए, ठीक है, ताकि मेरे वीडियो जो है उन सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके जो इस साल या अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो देखिए 2 नंबर, इसको इसको फॉर्मूला पे पुट करते हैं। ठीक है, इसको आप एक्स मानिए और इसको वाई, तो कोस इनवर्स होता है इसका क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, तो सम क्या होता है देखिए, तो होता है आपका कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 - x² इंटू अंडर रूट 1 - y². ठीक है, यही ना होता है प्लस कोस इनवर्स 63/65। नाउ अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 5² - 3² हो जाएगा अपॉन में, ये अपॉन 5² ये हो जाएगा 13² - 12² अपॉन 13² प्लस कोस इनवर्स 63/65। ठीक है, अब इन दोनों को देखिए, इतना हो गया, ये 5² हो जाएगा 25 और 3² 9, 13² 169 और 12² 144 बाई ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 और ये 39 रहेगा प्लस कोस इनवर्स 63/65। ठीक है, अब देखिए ये तो हो जाएगा आपका, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 36/65। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर रूट हटेगा तो आपका आ जाएगा 25 - 9 इक्वल टू 16 और रूट 16 का वैल्यू होता है 4, ये हो जाएगा आपका 25, तो किसका 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 5/13 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको एलसीएम लिया जाएगा, ये तो हो जाएगा 20 और ये 65 यानी 36 - 20, देखिए 36 - 20/65, इसका हम यहाँ 36 - 20 सबट्रैक्ट कीजिएगा तो हो जाएगा 16/65। ठीक है, अब प्लस थर्ड टर्म
क्वेश्चन नंबर 63/65। नाउ अब देखिए आपका दो टर्म हो गया, अब इसको एक्स मानिए और इसको वाई, तो फॉर्मूला पर पुट करते हैं। कॉस इनवर्स एक्स वाई, एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, एलसीएम लीजिए इसका और इसका, तो ये हो जाएगा 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, ठीक है, ये तो स्क्वायर रूट हटेगा तो 65 आ जाएगा यहाँ पर, इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 1008 यानी 1008 आ जाएगा, और ये 65 × 65। इसका देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर हम इसको लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इसको भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला पर, ठीक है, लिख दिए इसको हम अपॉन 65 × 65, ठीक है, तो इसको देखिए ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 81, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आ जाएगा 49, इसको ऐड कीजिएगा तो 128, और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 2 upon 65 65, ठीक है, तो यह आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 7 और इसका हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट, ठीक है, अपॉन 65, तो यह अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 1008। देखिए ये भी दोनों सेम है तो ये तो जीरो कट जाएगा तो कॉस इनवर्स जीरो हो जाएगा, तो जीरो किसका वैल्यू होता है, कॉस पाई बाई टू का वैल्यू जीरो होता है, तो कॉस इनवर्स और कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई बाई टू जो कि आपका आर एच एस है, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 देखिए, ये है आपका साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 27/36 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 36/85, यानी इसको ऐड करके हमको इतना लाना है, ठीक है, देखिए एल एच एस साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, तो इसको फॉर्मूला पर पुट किए तो साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट, इसको एक्स मानिए इसको वाई, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, ये आप इसको एक्स मानिए और इसको वाई, देन इसको फॉर्मूला पर पुट करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला पर हो गया, तो साइन इनवर्स 8/17 इंटू, अब देखिए इसको ऐसे मिले तो 5² - 3² / 5² प्लस 3/5 इंटू 17² - 8² / 17² यानी इसको एलसीएम लिए इन दोनों स्क्वायर रूट के अंदर, अब देखिए इसका हो जाएगा 25² - 9 यानी 16, रूट 16 इज इक्वल टू होगा आपका 4/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17² - 8², तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 225 - 225 होता है आपका 15² ठीक है, तो इस 225² हो जाएगा 15/17, ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कीजिए, देखिए मल्टीप्लाई किए तो आ जाएगा 32 और ये 85 और इसको 45/85, ठीक है, इसको इसको ऐड कीजिए दोनों को, तो हो जाएगा ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स 77/85। अब देखिए साइन इनवर्स आपको दिया गया है इसको, तो इसको साइन इनवर्स में, तो इसको हमको चेंज करना है टेन इनवर्स में, देखिए टेन इनवर्स में कैसे चेंज करना है, इस प्रोसेस को फ्रेंड्स जरूर ध्यान से देखिए कैसे किया जाएगा, तो देखिए साइन इनवर्स 77/85 को हमने थीटा मान लिया, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो एक एंगल होता है, तो इसको हम थीटा मान लिए, देन साइन इनवर्स इस साइड आया तो साइन थीटा हो जाएगा, बचा 77/85, देन साइन थीटा का आपका वैल्यू मालूम चल गया कितना है, तो टेन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा आपका, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 77/36, ठीक है, अब क्या कीजिए टेन को फिर से इस साइड भेजिए तो इनवर्स में आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36 हो जाएगा। अब आप देखिए ये साइन इनवर्स 77/85 जो है थीटा के बराबर है और थीटा जो है टेन इनवर्स 77/36 के बराबर है, तो इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि साइन इनवर्स 77/85 इज इक्वल टू है टेन इनवर्स 77/36, ठीक है, तो जो कि आपका आर एच एस है, प्रूफ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है, तो इस पर डिस्कस करना ही बेकार है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन फाइव है आपका कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इतना, यानी कॉस का फॉर्मूला यूज करके इसको हम इतना ला देना है। देखिए कॉस इनवर्स एक्स और ये वाई एलएचएस आपका ये है, तो इसको एक्स मानिए उसको वाई मानिए, तो फॉर्मूला पर पुट करते हैं कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट हमने स्क्वायर करके इसका लिख दिया है इन दोनों को। ठीक है, इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 48/65, इसका स्क्वायर रूट हटाइएगा तो इसको हो जाएगा आपका 3/5 हो जाएगा, इसको हटाएगा तो हो जाएगा 5/13। ठीक है, इन दोनों का फिर प्रोडक्ट लीजिए तो हो जाएगा यहाँ तो 48/65 हो गया, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 15/65, तो कॉस इनवर्स 33/65 हो जाएगा। ये इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो घटेगा तो हो जाएगा 33/65 इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव। ठीक है, यानी एल एच एस से हमने आर एच एस लाया। ठीक है, तो इतना इज इक्वल टू आपका प्रूफ हो गया कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये देखिए आपका साइन इनवर्स में दिया है, आपका कॉस आर एच एस जो है कॉस इनवर्स में है, तो साइन इनवर्स में हमको फॉर्मूला यूज करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिर से कॉस में चेंज करना पड़ेगा। देखिए साइन इनवर्स में फॉर्मूला यूज करते हैं तो साइन इसको एक्स मानिए इसको वाई, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला पे हो गया हमने, इसको आगे देखते हैं तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट, इसको हम एलसीएम लिए तो इतना आ जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम लिए तो 5² - 3² / 5² ठीक है, तो साइन इनवर्स 3/5 इंटू इसको वैल्यू हो जाएगा 289 और 8 का हो जाएगा 64, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9/5। ठीक है, यहाँ स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा 5 और यहाँ 17। नाउ अब इसका सेपरेट कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 225, और 225 जो होता है 15 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, स्क्वायर होता है, तो अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए, फिर इसमें जो आएगा आपका आएगा 4/5 हो जाएगा, फिर देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट लेकर सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो प्रोडक्ट ले लिए हैं इसका, इसका हो जाएगा इतना, इसका प्रोडक्ट इतना, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 13/85 आएगा, सेकंड नंबर 13/85, इसको आप थीटा मान लीजिए। देखिए एक थीटा मान लें तो ये इस साइड आएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 13/85, तो यहाँ से आप कॉस थीटा वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा दिया हुआ है तो कॉस थीटा वैल्यू निकल सकता है, बिल्कुल नहीं सकल सकता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसी पे या कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसी फॉर्मूला पे हम निकाल दिए हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा आपका 84/85, तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स 84/85। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये अभी इक्वल हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, क्योंकि ये भी थीटा बराबर है और ये भी थीटा इज इक्वल टू इतना बराबर है, तो इस कंडीशन पे इस ए जो है इसके इसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स इज इक्वल टू थीटा के बराबर है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना है तो ये है इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85 इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 प्लस इज इक्वल टू टेन इनवर्स 63/16। देखिए हमने क्या किया है, एल एच एस आपका ये है। ठीक है, हमने क्या किया, कॉस को साइन में चेंज किया है, तो कॉस आपका दिया है तो इसको साइन में चेंज करेंगे तो इतना हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए फिर फॉर्मूला पर अप्लाई किया है साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स वाई, इसको एक्स माइनस इसको वाई, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला पर पुट कर दिया, अब देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो 5/13 इंटू अंडर रूट ए 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 5, ये 4/5 इंटू अंडर रूट ए 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 13, तो साइन इनवर्स 5/13 इंटू इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 3/5, इसका आएगा 12/13। ठीक है, प्लस 4/5 इंटू 12/13, अब इसको इसको सॉल्व करके एलसीएम लेना है, ऐड कर देना है, तो 15/65 प्लस 48/65 इसको स्क्वाड कीजिए तो ऐड कीजिएगा तो आपका 63/65 आएगा, इसको आप थीटा मान लीजिए। ठीक है, देन ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 63/65। ठीक है, इतना हो जाएगा, आप साइन थीटा का वैल्यू आपका इतना है तो टेन थीटा का निकाल दीजिए वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए टेन थीटा आपका वैल्यू हो जाएगा 63/16,
तो थीटा वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स 63 अपॉन 16, चूँकि साइन इनवर्स 63 अपॉन 65 को हमने थीटा माना था, और थीटा किसके बराबर है, टेन इनवर्स 63 बाई 16। तो ये आपका आरचेस हो गया, प्रूफ हो गया, जो कि आपके आरचेस के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है साइन इनवर्स 12 बाई 13 प्लस क्वेश्चन नंबर 4 बाई 5 प्लस टेन इनवर्स 63 अपॉन 16। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स 12 बाई 13 प्लस क्वेश्चन नंबर 4 बाई 5 को ऐड करते हैं और इसमें कुछ नहीं चेंजिंग करते हैं। ठीक है, देखिए इसको इसको, तो साइन इनवर्स 12 बाई 13 को क्या किया हमने, कॉस में चेंज किया, तो कॉस में चेंज हो जाएगा तो आपका आएगा कॉस इनवर्स 5 बाई 13, यानी साइन इनवर्स 12 बाई 13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5 बाई 13, ये इसके बराबर है। तो इसके जगह हम लिख दिए इतना, इसके जगह पर इतना लिख दिया प्लस क्वेश्चन नंबर 4 बाई 5 प्लस इसको जो था वो इसे उतार दिए। ठीक है, अब इसको देखिए फॉर्मूला पे इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये इसको एक्स इसको वाई मानिए, तो क्वेश्चन बस एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस 13 टेन बस 63 अपॉन 16। ठीक है, अब इसको एलसीएम लीजिए तो ये 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 13 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। ठीक है, प्लस टेन बस 63 अपॉन 16। ठीक है, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 वैल्यू, और इसका हो जाएगा 25, इसका वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस 16 अपॉन स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, ये 13 बचेगा। ठीक है, इसका प्रोडक्ट तो हो गया आपका 20 बाई 65। ठीक है, इसका हटेगा तो आपका 12 बटा 13 हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा 3 बटा 5। ठीक है, प्लस 10 बस 63 अपॉन 16। नाउ 20 अपॉन 65 माइनस 36 अपॉन 65, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो टेन इनवर्स माइनस और प्लस टेन इनवर्स 63 अपॉन 16, तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको हो जाएगा माइनस 16 बाई 25। तो कोस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। ठीक है, देखिए फॉर्मूला होता है जो उसको हम पुट कर दिए, तो पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा कर दिए प्लस टेन इनवर्स 63 अपॉन 16। अब हम क्या करते हैं, कोस इनवर्स 16 बटा 65 को 10 में चेंज करते हैं, तो आप 10 में चेंज कीजिएगा तो आपका आ जाएगा टेन इनवर्स 63 अपॉन 16। अब ये माइनस साइन है तो माइनस साइन देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ माइनस साइन है, अब यहाँ पॉजिटिव है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पाई जो कि आपके आर एच एस के बराबर है, प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको हमने क्या किया है, टेन में चेंज किया है, टेन में चेंज करेंगे तो आपका इतना रहेगा, ये देखिए माइनस साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, तो जीरो हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो बचेगा सिर्फ पाई, तो पाई इक्वल टू आर एच एस, प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है देखिए, टू साइन इनवर्स 3 बाई 5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 24 बाई 4। देखिए एल एच एस टू साइन इनवर्स 3 बाई 5, हमने क्या किया, साइन इनवर्स टू साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, देखिए टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसी फॉर्मूला पे हमने पुट किया था, टू साइन इनवर्स एक्स है, एक्स इज इक्वल टू 3 बाई 5, तो इस फॉर्मूला पुट करते हैं, तो साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 3 बाई 5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल क्या है, तो 1 माइनस 3 बाई 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो साइन इनवर्स 6 ये हो जाएगा 6 बाई 5, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हो जाएगा 6 बाई 5, ये इसको सॉल्व होगा तो आपका 4 बाई 5 आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 24 बटा 25, साइन इनवर्स 24 बटा 25 को 10 में चेंज कर दिए तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आपका हर चीज हो गया, प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है 9π अपॉन 8, इतना है आपका। ठीक है, गिवन है, हमने लिख दिया जो दिया हुआ है, फिर हमने क्या किया, ये वाला टर्म जो है सेकंड टर्म, इसको आरचे साइड ले गया, आरचे साइड की ओर ले गए तो ये प्लस में आ जाएगा। देखिए अब हमने क्या किया है, देखिए इसको ऐसे हो जाएगा आपका, गिवन है, फिर 9/4 हमने इन दोनों में से कॉमन कर लिया है, बचेगा आपका साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। अब हम क्या किए, आरचे से एलएचएस लाना हमको, तो आरचेस लिख दिए, आर एच एस आपका ये वाला पार्ट है तो लिख दिए इतना। अब हम क्या किया है, साइन बस एक्स प्लस साइन बस वाई पे इसको एक्स मानिए उसको वाई, तो साइन बस एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला पे इसको पुट कर दिया। ठीक है, नाउ इसको देखिए, ये हो जाएगा 9 - 1 अपॉन 3, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 प्लस 1/3 इंटू ये 9 - 8 इज इक्वल कर दिया अपॉन 3। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3, इसको खटा आएगा √8 आएगा, √8 जो होता है स्क्वायर √2√2 होता है अपॉन 3,
प्लस 1/3 इंटू 1/3, ठीक है। नंबर से जाएगा तो एक बचेगा, तो एक का स्क्वायर रूट 1, तो 1/3 हो जाएगा। अब इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसको इसको, तो हो जाएगा देखिए 9/4 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका 1/9, ठीक है। तो 9/4 साइन इनवर्स 9/9, तो एक तो कट जाएगा तो साइन इनवर्स 1 आएगा। देखिए आपका आया है 9/4 साइन इनवर्स 1, 9/9 था तो कटेगा तो 1 आ जाएगा ना, तो 1 किसका वैल्यू था, पाई बाई 2 का, तो यहाँ से साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 9/4 इंटू पाई बाई 2, तो 9/4 इंटू पाई बाई 2, ये तो 9/9 पाई हो जाएगा बाई 8। डॉक्टर साहब का LHS प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स, इतना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, वेन एक्स बिलोंग्स टू रेंज 0 से 1 और वाई बिलोंग्स टू 0 से 1, ठीक है। तो LHS सेम RHS लाते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई फॉर्मूला है आपका। साइन इनवर्स एक्स को कॉस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स को कॉस में चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को वाई एक्स मान लीजिए, इसको वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स इन प्लस कॉस इनवर्स वाई फॉर्मूला पे इसको हम ऐड करते हैं, तो होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई, तो एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको हम एक्स माने हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। वाई इक्वल टू क्या आपका है, वाई इक्वल टू ये पार्ट है ना, जो ये टोटल जो है आपका वाई है, ये टोटल पार्ट जो है आपका एक्स मान लीजिए, तो कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो नाउ ये तो इतना लिखा जाएगा, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो अंडर स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब नाउ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर। नाउ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो देखिए वो ये तो 1 माइनस 1 इज टू 0, बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, वाई का स्क्वायर का वाई, ठीक है। जो कि आपका RHS प्रूफ हो गया। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को जो शेयर करें।